महिलाओं को बढ़ावा देना और उन्हें सम्मान देना और जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से फेस वुमेन अचीवमेंट अवार्ड का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूथ सेंटर में आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम का आयोजन फेस ग्रुप की तरफ से किया गया। इस प्रोग्राम में उन महान महिलाओं को अवार्ड से सम्मानित किया गया जिन महिलाओं ने समाज की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रोग्राम में उन सभी महिलाओं को अवार्ड से सम्मानित किया गया जिन महिलाओं ने समाज के उत्थान के लिए कदम उठाए। इस प्रोग्राम में रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रमुख समाज सेवी नीरज गुप्ता ने अपने गानों से ऐसा समा बांधा कि सभी दर्शकों को ताली बजाने को मजबूर होना पड़ा। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष प्रीति गुप्ता, समाज सेवी भारती गुप्ता, भारतीय जनसेवा ट्रस्ट की चेयरमैन आशा देवी को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए फेस अवार्ड से नवाजा गया। प्रमुख समाज सेवी नीरज गुप्ता ने कहा कि
महिलाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोग्राम आयोजित किया गया और महिलाओं के द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। हमारा उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना और उन्हें आगे बढ़ाना, साथ ही महिलाओं द्वारा समाज में किए गए कार्यों की सराहना करना था। इस मौके पर महिलाओं को सम्मान देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले फेस ग्रुप का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुश्ताक अंसारी जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। डॉक्टर बिलाल अंसारी जो इनके बेटे हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, छोटे भाई की तरह हैं, इतना बहुत अच्छा आयोजन करते हैं और नई नई प्रतिभाओं को चांस देते हैं, मौका देते हैं। सिंगिंग में, डांसिंग के क्षेत्र में जो जो उभरती हुई प्रतिभाएँ हैं देश के अंदर, उन्हें एक आगे आने का मौका देते हैं। इसके लिए मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और एक इनसे निवेदन करता हूँ कि इसी प्रकार से कार्यक्रम और भी आगे करते रहें, हम इनके साथ हैं हर प्रकार से। महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगा, देखिए महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। अभी महिला सब इंस्पेक्टर भी हमारे बीच थी, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार भी मिला है और बता रही थी कि लाखों लड़कियों को उन्होंने आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी है। तो इस प्रकार से महिला किसी भी प्रकार रूप में पुरुष से पीछे नहीं है और उन्हें आगे आना चाहिए हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और वो बहुत अच्छा कर सकती हैं। बिलाल भाई अंसारी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने इस बात का मौका दिया और महिलाओं के लिए भी उन्हें अच्छा काम करें, इसके लिए धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है जो महिलाओं को ये फेस अचीवमेंट वुमेन अवार्ड दिया गया है, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि आगे भी महिलाओं के लिए ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते रहे और उन्हें अवार्ड मिलते रहे। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना और मैं सभी महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि वो कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे। महिलाएं जब अपने आप को कमज़ोर समझती हैं तभी उनके साथ अपराध होता है। वो सबसे बलशाली हैं और अपनी पहचान जो एक कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर जरूर है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हर इंसान को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की इज्जत करेंगे तभी हम वैद्य बाबूराम वर्मा। 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।